Thanks to the people who walked into my life and made it better. And thanks to the ones who walked out and made it amazing. Hey guys, ISAF यानी कि Interesting Stories and Facts में स्वागत है आपका. Facts wherever you see. मैं हूं आपका होस्ट और नरेटर गुनूर तूर और आप देखने जा रहे हैं डार्क हॉर्स कॉमिक्स द्वारा प्रस्तुत नॉर्स माइथोलॉजी पार्ट 3 स्टोरी एक्सप्लेन्ड और इस इशू का नाम है द मास्टर बिल्डर. इस पार्ट में हम देखेंगे कि क्यों एसगार्ड के देवताओं ने एक मास्टर बिल्डर को हायर किया, क्या थी उस मास्टर बिल्डर की शर्तें जिसकी वजह से देवता डर रहे थे और कैसे किया देवताओं ने उस मास्टर बिल्डर का सामना. एवरीथिंग इन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ इट टू नो मोर अबाउट द स्टोरी लाइन ऑफ नॉर्स माइथोलॉजी. अन्य रोमांचक कॉमिक बुक स्टोरीज को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो. तो स्टोरी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि थॉर अपने माइटी हैमर के साथ ईस्ट की ओर ट्रॉल्स के साथ लड़ने के लिए गया हुआ था और एसगार्ड थॉर की अनुपस्थिति में बेहद ही शांतमय होता था. मगर इसी के साथ एसगार्ड अनप्रोटेक्टेड भी था क्योंकि इकलौता थॉर ही था जो एसगार्ड की रक्षा अपने माइटी हैमर के साथ करता था. एसगार्ड के दरबार में बैठे हुए ओडिन और फ्रे इसी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं और लोकी भी वहां पर मौजूद होता है. ओडिन फ्रे से कहता है कि हम सदा ही थॉर पर निर्भर नहीं हो सकते हैं क्योंकि जायंट्स और ट्रॉल्स एसगार्ड में घुसने की कोशिश करते रहते हैं, जिस पे फ्रे ओडिन से पूछता है कि तो फिर आपने इसके लिए कौन सा विकल्प सोचा है. ओडिन कहता है कि हमें एसगार्ड के चारों ओर एक विशालकाय दीवार की जरूरत है जो कि फ्रॉस्ट जायंट्स को एसगार्ड में घुसने से रोकेगी. दूर खड़ा लोकी कहता है कि इतनी बड़ी दीवार बनाने के लिए हमें कितने ही साल लग जाएंगे, मगर ओडिन कहता है कि हमें फिर भी इसे बनाना पड़ेगा. देखते ही देखते ये बात दूर तक फैल जाती है और एक अजनबी एसगार्ड में आता है. वह ओडिन के दरबार में आता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि आप एसगार्ड के चारों ओर एक विशाल दीवार को बनवाना चाहते हैं. ओडिन कहता है कि हाँ, आगे बोलो. वह आदमी कहता है कि मैं आपके लिए वैसी ही एक विशालकाय दीवार का निर्माण कर सकता हूं जिसपे कि ना तो कोई लंबा जायंट चढ़ पाएगा और ना ही कोई ट्रॉल उसे नष्ट कर पाएगा. लोकी उस आदमी को बीच में टोकते हुए कहता है कि वैसी दीवार को बनाने के लिए लंबे समय की जरूरत पड़ेगी, मगर वह बिल्डर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं और मैं उसे सिर्फ 3 सीजन्स में पूरा कर दूंगा. इसे बनने के लिए एक सर्दी, एक गर्मी और फिर एक सर्दी का मौसम लगेगा और ये पूरी हो जाएगी. ओडिन बिल्डर की बात को ध्यान से सुनते हुए उससे पूछता है कि और तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए. बिल्डर कहता है कि मुझे बदले में सिर्फ 3 चीजें चाहिए. पहली चीज ये है कि मैं सुंदर फ्रेया से शादी करना चाहूंगा, जिसे कि सुनकर गॉडेस फ्रेया चौंक जाती है. ओडिन कहता है कि ये कोई आम मांग नहीं है, मगर चलो अपनी दूसरी 2 शर्तों के बारे में बताओ. बिल्डर कहता है कि दूसरा मुझे चाहिए सूरज जो कि दिन में आकाश को रोशन करता है और चांद जो कि रात में रोशनी देता है. मुझे ये 3 चीजें दे दीजिए और मैं दीवार को बना दूंगा. सभी देवताओं में इस बात को लेकर उथल पुथल मच जाती है. ओडिन बिल्डर को कहता है कि तुम बाहर जाओ और इंतजार करो, जिस पे बिल्डर कहता है कि अच्छी बात है, आप मेरे इस विचार पर चर्चा करें और तब तक मैं अपने स्टेलियन स्वादिल फेरी को खाना और पानी देकर आता हूं. बिल्डर दरबार से बाहर चला जाता है और ओडिन अन्य देवताओं से बिल्डर की मांगों के बारे में पूछता है. सभी देवता बात करते हुए और हंसते हुए इन बातों को नकारने लग जाते हैं. ओडिन सभी को चुप होने के लिए बोलता है और फिर वह फ्रेया से इसके बारे में पूछता है.
गुस्साई हुई फ्रेया कहती है कि उस आदमी को बुरी तरह से पीटना चाहिए और उसे यहाँ से भगा देना चाहिए। ओडिन सभी देवताओं और फ्रेया का जवाब सुनने के बाद कहता है कि तो हमने ये निश्चय कर लिया है कि हमें उसे इनकार कर देना चाहिए। मगर तभी पीछे से कोई ओडिन को टोकते हुए खांसता है और वह कोई और नहीं मगर लोकी होता है। लोकी ओडिन और सभी देवताओं से कहता है कि इन बातों को आपके ध्यान में लाना होगा कि आप सभी कुछ बड़ी चीजों को अनदेखा कर रहे हैं। मगर फ्रेया कहती है कि हमने किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं किया है ट्रबल मेकर लोकी। इस पे लोकी कहता है कि तुमने नजरअंदाज किया है, वह अजनबी जो भी बात कह रहा है वह बेहद ही मुश्किल है और एक आम इंसान के लिए इस दीवार को इतने कम समय में बना पाना असंभव है और मैं इस बात के लिए अपनी चमड़ी को दांव पर लगा सकता हूं। सभी देवता लोकी की इस बात को सुनकर उससे सहमत होने लग जाते हैं। मगर फ्रेया उन सभी को मूर्ख कहती है और वह लोकी को कहती है कि तुम सबसे बड़े मूर्ख हो क्योंकि तुम खुद को सबसे चालाक समझते हो। मगर लोकी कहता है कि ये असंभव है और मैं यही सुझाव दूंगा कि हमें उसकी मांगों को मान लेना चाहिए मगर कड़ी शर्तों के साथ। उसे किसी भी प्रकार की मदद नहीं दी जाएगी और उसे ये सब काम एक सीजन में ही पूरा करना पड़ेगा। एक अन्य देवता कहता है कि मगर वह इस बात को क्यों मानेगा और फ्रेया कहती है कि हमें इस सभी से क्या फायदा होगा। लोकी कहता है कि क्या सभी देवता मूर्ख हैं? सुनो, वह स्मिथ उस दीवार को बनाना शुरू करेगा मगर उसे खत्म नहीं कर पाएगा। वह अपनी मूर्खता भरी मांगों की वजह से हमारे लिए बिना वेतन के काम करेगा और 6 महीनों के खत्म होते ही हम उसे यहां से भगा देंगे और उसके बाद जो भी काम रह जाएगा हम उसे खुद ब खुद पूरा कर लेंगे। मगर देवता फिर से पूछता है कि मगर वह इन शर्तों को क्यों मानेगा, जिस पे लोकी कहता है कि अपने अहंकार की वजह से, और वह मुझे एक ऐसा मनुष्य लग रहा है जो कि चुनौतियों से पीछे नहीं हटेगा। सभी देवता लोकी की इस बुद्धिमता से प्रसन्न हो जाते हैं और तभी ओडिन बिल्डर को बुलाने की मांग करता है मगर फ्रेया इस सभी से खुश नहीं होती है। बिल्डर ओडिन के सामने आता है और ओडिन कहता है कि तुमने हमसे 3 सीजन्स की मांग की थी मगर हम तुम्हें इस काम के लिए 1 सीजन देते हैं और तुम इस दीवार को अकेले ही बनाओगे। कल सर्दियों का पहला दिन है, अगर तुम इस काम को गर्मियों के पहले दिन तक ना खत्म कर पाए तो तुम यहां से चले जाओगे, वह भी बिना किसी चीज की मांग किए। बिल्डर ओडिन की बात को सुनने के बाद कहता है कि आपने कहा कि मैं इस काम के लिए किसी भी प्रकार की बाहरी मदद नहीं ले सकता हूं, मगर मैं अपने घोड़े स्वाडिल फेरी को पत्थरों को उठाकर यहां तक लाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं और मेरा मानना है कि ये एक उचित मांग है। ओडिन बिल्डर की इस मांग को मान लेता है। इस सभी के बाद देवता और अजनबी शपथ लेते हैं। उन्होंने गंगनियर जो कि ओडिन की स्पीयर थी को पकड़कर उस ओथ को लिया और गंगनियर पर ली जाने वाली शपथ अटूट होती थी। अगले दिन सभी देवताओं ने उस आदमी को काम करते हुए देखा। बिल्डर अपने काम पर लग जाता है और अपनी बिजली की तेजी से वह उस दीवार के लिए नींव का निर्माण करने लग जाता है। देवता उसे गहराई में और तेजी से खोदते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। लोकी कहता है कि नींव को खोदना एक आम सी बात है मगर उसमें पत्थरों को ऐसे लगाना कि कोई भी चींटी उसमें से निकल ना पाए एक बेहद मुश्किल चीज है। जब सूरज छिपा तो बिल्डर पहाड़ों की ओर चल देता है पत्थरों को लाने के लिए। महल के ऊपर खड़ा हुआ लोकी सोचता है कि अब उस बिल्डर को पत्थरों को लाने में 1 हफ्ता लग जाएगा और मैं इस चीज को देखने के लिए उत्सुक हूं कि वह घोड़ा एक बार में कितने पत्थरों को ला पाएगा। इस सभी के बाद देवता फीस्ट हॉल में चले जाते हैं। वह वहां पर नाच रहे थे और खुशी मना रहे थे मगर फ्रेया इस सभी से खुश नहीं थी। सुबह होने से पहले सूरज की पहली किरण बर्फ पर चमक रही थी। हेमादाल
जो ये सब देख रहा था वह एस्गार्ड पहुंचा देवताओं को जगाने के लिए। देवता हैरानी से बिल्डर और उसके घोड़े को उनकी ओर आता हुआ देख रहे थे। पत्थरों से लदी हुई बिना पहियों वाली वह गाड़ी काली जमीन में कितनी ही गहराई में धंसी हुई थी और वह अपने पीछे गहरी लीक छोड़ रही थी। देवताओं को उसको देखते हुए पहले तो बिल्डर चौंक जाता है, मगर फिर वह उन सभी को हंसते हुए गुड मॉर्निंग कहता है। वह अपने घोड़े को चरने के लिए छोड़ देता है और खुद उन भारी ग्रेनाइट ब्लॉक्स को नींव में लगाने लग जाता है। देवता बातें करते हैं कि वह घोड़ा बेहद ही जानदार है, क्योंकि वह पत्थर काफी ज्यादा भारी हैं और वह हमारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। लोकी उनको कहता है कि वह घोड़ा जल्द ही थक जाएगा और सर्दियां आ गई हैं और जल्द ही बर्फ बेहद गहरी हो जाएगी और बर्फीले तूफान आने लग जाएंगे। सभी चीजें प्लान के अनुसार ही चल रही हैं। लोकी की बातों को सुनकर फ्रेया उसे कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूं लोकी, और ऐसा कहते हुए वह वहां से चली जाती है। हर रात को बिल्डर और उसका घोड़ा माउंटेन्स की ओर चले जाते थे और हर सुबह वह वापिस आ जाते थे। हर दिन वह दीवार बड़ी और बड़ी होती जा रही थी और ये बात देवताओं को परेशान कर रही थी। ओडिन के दरबार में ओडिन अन्य देवताओं से कहता है कि दीवार शीघ्रता से बड़ी होती जा रही है और हमने ऐसी शपथ ली है जो कि अटूट है। वह शपथ कि अगर वह इस दीवार को बना देता है तो हम उसे बदले में सूरज, चांद और सुंदर गॉडेसेस फ्रेया दे देंगे। फिर ओडिन वाइस क्वासीर से पूछता है कि उसका इसके बारे में क्या कहना है। क्वासीर कहता है कि मुझे संदेह है कि वह बिल्डर एक आम मानव नहीं है, मगर कुछ और है। और ओडिन उस बिल्डर को देखते हुए कहता है कि वह शायद एक जायंट है। फ्रे निराश होते हुए कहता है कि काश थॉर यहां पर होता, मगर ओडिन कहता है कि अगर थॉर भी यहां आ जाएगा तो वह कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी ओथ्स अनब्रेकेबल हैं। लोकी इस सभी को सुनकर कहता है कि हम सभी बूढ़ी औरतों के जैसे डर रहे हैं और उन चीजों की चिंता कर रहे हैं जो असल में है ही नहीं। वह बिल्डर गर्मी के पहले दिन से पहले दीवार को बना नहीं पाएगा, ये असंभव है। मगर फ्रे फिर से कहता है कि काश थॉर यहां पर होता। इस सभी के बाद गहरी बर्फ का दौर शुरू हो जाता है, मगर वह भी स्वाडिल फेरी को ना रोक सकी। वह अपनी स्लेट को गहरी बर्फ और बर्फीले तूफान में से खींच रहा था, ऊंची चट्टानों की ओर और बर्फीली घाटियों में से। दिन बड़े होने लग गए थे और बर्फ पिघलना शुरू हो गई थी और वह अपने पीछे कीचड़ को छोड़ रही थी, भारी और गहरा कीचड़। लोकी कहता है कि वह घोड़ा उन पत्थरों को इस कीचड़ में से लेकर नहीं गुजर पाएगा, वह इस कीचड़ में अपने पैर जमा ही नहीं सकता। मगर स्वाडिल फेरी को कीचड़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वह एक मजबूत घोड़ा था। फिर कुछ ही दिनों में वह कीचड़ सूख गया और बसंत ऋतु के फूल दिखने लग गए। वह दीवार एस्गार्ड को घेर रही थी और वह बेहद बड़ी और ना फान सकने वाली बन रही थी। हर रोज बिल्डर एक के ऊपर एक ब्लॉक रखता जा रहा था और वह अजनबी उस दीवार को एक अथक अच्छे भाव से बनाता जा रहा था। उसे बारिश की कोई चिंता नहीं थी, ना ही बर्फ की, और उसका घोड़ा भी उसी के जैसा था। अब ये सर्दियों का आखिरी दिन था और दीवार बनने ही वाली थी। सभी देवता इस बात से परेशान थे कि उन्होंने सूरज, चांद और फ्रेया को खो दिया है। गुस्साई हुई फ्रेया देवताओं को कहती है कि अगर ये बिल्डर एक जायंट हुआ तो मैं उससे शादी कर लूंगी और ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि मैं ज्यादा नफरत किससे करूंगी, उससे या फिर तुम लोगों से जिन्होंने मुझे उसको सौंप दिया है। पीछे से लोकी फ्रेया को कहता है कि अब तुम ऐसा मत कहो, मगर फ्रेया लोकी को गुस्से में पीट देती है और उसके ऊपर से होते हुए वह ओडिन के पास जाती है।
वह ओडिन से कहती है कि अगर ये जायंट मुझे सूरज और चांद को ले गया तो मैं देवताओं से सिर्फ एक चीज की मांग करती हूँ। ओडिन फ्रेया से पूछता है कि वह चीज क्या है। फ्रेया कहती है कि अगर मैं फ्रॉस्ट जायंट्स के लैंड पर जा रही हूँ और अगर पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी तो मैं मेरे जाने से पहले उस व्यक्ति की मौत देखना चाहती हूँ जिसकी वजह से ये सब नौबत हम पर आई है, और मुझे लगता है कि ये सब उचित होगा। लोकी इस बात को सुनकर कहता है कि किसी को इस बात का जिम्मेदार ठहराना बेहद कठिन है। किसे याद है कि किस व्यक्ति ने आखिर कौन सा सुझाव दिया था? फ्रेया कहती है कि तुमने ये सब सुझाव दिए थे और तुमने ही इन मूर्खों को इसमें शामिल किया था। लोकी कहता है कि अगर मैं सभी को याद दिलाऊं तो सभी इस बात के लिए सहमत हुए थे या नहीं, और ऐसा कहते हुए वह पीछे अन्य देवताओं की ओर देखता है, मगर तभी उसके चेहरे का रंग उतर जाता है क्योंकि सभी देवता उसे गुस्से भरी निगाहों से देख रहे थे। ओडिन लोकी को कहता है कि लोफे के पुत्र लोकी, ये सब कुछ तुम्हारे गलत सुझावों की वजह से हुआ है, और ये सब उतना ही बुरा था जितना कि तुम्हारे अन्य सुझाव होते हैं। अब हमें जरूरत है कि वह बिल्डर अपने काम को पूरा ना कर पाए, और वह भी बिना हमारी ओथ का उल्लंघन किए। उसे हारना होगा। लोकी ओडिन से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप मुझे इस सभी के लिए क्या करने के लिए सोच रहे हैं। जिस पे ओडिन कहता है कि मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर इस बिल्डर ने कल तक अपना काम खत्म कर दिया तो तुम्हारी मौत बेहद दर्दनाक और लंबी होगी, बेहद बुरी मौत। और लोकी उन सभी देवताओं के चेहरे पर गुस्सा देख पा रहा था। उनके चेहरों पर दया का भाव नहीं था, और लोकी ये जानता था कि अगर उसने कुछ ना किया तो ये जरूर ही एक बुरी मौत होगी। लोकी कहता है कि मगर मैं क्या कर सकता हूं, और इसका कोई और विकल्प क्या है? मैं बिल्डर पर हमला नहीं कर सकता। और फिर कुछ सोचते हुए लोकी एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि सब कुछ अब मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर वह बिना कुछ बोले हॉल में से चला जाता है, और कोई अन्य देवी देवता उसे रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। और यहीं पर हमारे इस इशू का अंत हो जाता है। इस इशू के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे लोकी ने अपनी मूर्खता भरी हरकतों के कारण मुश्किल में फंसे देवताओं को उस मास्टर बिल्डर की शर्तों से बचाया। और इसी के साथ उस इशू में हम जानेंगे लोकी के खतरनाक बच्चों के बारे में, वह बच्चे जो कि रैग्नारॉक में एक अहम भूमिका निभाएंगे। ये सब हम देखेंगे लोकीज चिल्ड्रन इशू में। अंटिल देन, वॉच माय अदर वीडियोस, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, आई सैफ, स्टे ब्लेस्ड।